तन सोवेला जित दर्शन करना हौ मल्हारी सतगुर चरणा सतगुर चरणा हौ बलहारी सतगुर चरणा सतगुर चरणा। बड़ा सुहावना माहौल बनाया भाई साहब भाई साहब अलंकार सिंह जिस तरह तुम्हें पहला कागजा बख्शी है भाई साहब उन्होंने दुआन में उस तरह कृपा करके साड़ी घोड़ी में भी एकाग्रता बख्शो। दोपहर के दरबार के बहुत ज्यादा रौला पड़ता है जिसे रौला पड़ता है उसे एकाग्रता ही है आत्म रंग बहुत प्यारे कीर्तनिए बड़े अगे तो अगे कीर्तनिए हुए केशव धुंधा भी कोई राग राग की महारत रखने वाला जब राग के गुरमुख संगीत के कीर्तन करता है वो की करता है कि शब्द को लांघे रखता है तो राग विद्या उत्ते मुख हो जाती हावी हो जाती। पर जिहड़ा कीर्तन शब्द प्रधानता रख के राग में पढ़िया जाता है वो अना वो जिहड़ा है अंदर साड़ी सुरत में एकाग्रता बख्शता है टिकाऊ बख्शता है। दुनिया का कोई भी शख्स किसी भी धर्म का बंदा है वो जो धर्म संबंधित कोई अलफाज गाँव है जो हिरदे के निकलते वो असर करते हैं। धर्म ग्रंथ साहब महाराज जी पूछिए सतगुरु गाना गिण कि गाईदा है तो सतगुरु कह रहे ठाकुर गाइए आत्म रंग जे मेरे वर्गे थोड़िया बहुतिया कितने सुरां जां ताने ताना पलटे आउंदे होण भाई साहब जी मैं तुहाडे बारे दी जे गल कर रहा इतराज ना करे मेरे वर्गे कितने माड़िया मोटिया सुरां लाउंदियां होंदियां उहनूं देखकर हुंकार दे ते दरस के मेरे वर्गा कीर्तन करे सतगुरु कहिंदे नहीं भावें तूं जिन्नियां मर्जी तान पलटे कर ला जिन्ने मर्जी वाजे घुमा ला पर गुरबाण उही होणा जिहड़ा हिरदे तों ठाकुर गाई है आत्म रस जिद आत्म आत्म रंग हों रूहानियत का रंग हों असर हों सो इन कीर्तन में आत्म रंग दिस रहा है। अब मन कागज करके कोशिश करेगी असी तन करके बैठे हैं इतने तन की हाजरी लगनी तन की हाजरी लगा रहे हैं तो फिर मन की भी हाजरी लगा गुरुद्वारे बैठना साडा समा पास करना नहीं होना चाहिए जो बैठ ही गए हैं तो उन्ना समा फिर सानू सुरत जोड़ लेनी चाहिए तो जे मन ना टिके जो मन ना टिकता हो असी मन कर पीछे ना बैठे हुई है तो वह मन जोड़े साढ़े अकाउंट में नहीं होंगे महाराज के अकाउंट के क्योंकि सतगुरु कहते भी मैं सिखा देखना सतसंग बैठा मैं ये देखना कि तेरा मन कितने है तेरे तन वाल मेरा ध्यान नहीं है बेशक चार दुआरी के बाद नक्सल कहना बाहर भी कोई बैठा हो तन करके बाहर करता मन करके सुरत इतने कीर्तन जुड़ी होगी हाजरी लग जाए तो जोड़ा बंदा तन करके इतने बैठा है मन करके कित बहर हो सतगुरु कहते नहीं मैं तेरी हाजरी नहीं हूं क्योंकि इतने मन करके चित सिमरन करो नया नया अवलोकन कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए चित लाने को भैया कि मन करके बैठे आओ सारे ने सिर्फ घंटा होर टाइम रह गया मन बिखिया ताकत करके अपनी सुरत ताकत करके शब्द का आनंद लेना है धन गुरु ग्रंथ साहब आप दिन खुशियां लैनिया ने क्या मन बिखिया ताकत करके सागर का प्रश्न हो सके दे नाल जपियो ये कृपा करना।
मन मोहे गुरमोहन।